वालेकुम लर्नर्स, हाउ आर यू? दिस इज़ माई 9th लेक्चर, सब्जेक्ट साइंस, क्लास 8, टॉपिक क्लोनिंग इन प्लांट्स, प्रेजेंटेड बाय बुशरा लियाकत। क्लोनिंग इन प्लांट्स, क्लोन्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑर्गेनिजम्स। जेनेटिकली जो बिल्कुल आइडेंटिकल, बिल्कुल सेम स्पीशीज होती है, हम उसको कहते हैं कि ये बिल्कुल जेनेटिकली आइडेंटिकल स्पीशीज हैं। क्लोन कैन ऑकर नेचुरली इन प्लांट्स। जो क्लोनिंग होती है वो नेचुरली ऑकरिंग प्रोसेस होता है प्लांट्स में। टूडे क्लोनिंग इज अ हाई टीच बिजनेस। अ लॉट ऑफ कमर्शियल प्लांट ग्रो यूज दिस टेक्निक टू प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ प्लांट इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। और क्लोनिंग के प्रोसेस को हम यूज़ करके शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में एक ही जैसे बहुत से प्लांट जो हैं वो शॉर्ट टाइम में प्रोड्यूस कर सकते हैं थ्रू दिस प्रोसेस, नेचुरल क्लोन्स। मैनी प्लांट्स एज वेल एज बींग एबल टू प्रोड्यूस सीड्स आर एबल टू रिप्रोड्यूस बाई ग्रोइंग न्यू पार्ट्स विच कैन लीव एज सेपरेट प्लांट्स। जो बहुत से प्लांट्स होते हैं जो सीड प्रोड्यूस करते हैं वो आर एबल टू रिप्रोड्यूस, वो इस काबिल भी होते हैं कि वो न्यू पार्ट्स जो हैं वो ग्रो करते हैं। उस पार्ट्स को पार्ट जो वो जो उनके ऊपर बर्ड जैसे हम कहते हैं वो ग्रो होता है और वो जो है वो न्यू प्लांट में चेंज हो जाता है। वो जो उसके ऊपर नया जो पार्ट उसका अपेयर हो रहा होता है वो सेपरेट होकर सेम उस जैसा न्यू प्लांट बना देता है। दिस इज़ कॉल्ड ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। इसको हम ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं बिकॉज नो गैमिट्स आर इन्वॉल्व इसमें, क्योंकि कोई गैमिट से इन्वॉल्व नहीं होता। तो इस प्रोसेस के थ्रू जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है, जो न्यू प्लांट प्रोड्यूस होते हैं, उसको हम कहते हैं कि ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। द न्यू प्लांट्स आर एग्जैक्ट जेनेटिक कॉपीज ऑफ द पेरेंट प्लांट। जो न्यू प्लांट्स होते हैं वो एग्जैक्ट कॉपी होती हैं पेरेंट प्लांट्स की। जैसे कि आप देख रहे हैं स्ट्रॉबेरीज सेंड आउट स्पेशल स्टेम्स कॉल द रनर्स दैट स्प्रेड ओवर द ग्राउंड। जो जैसे स्ट्रॉबेरीज, अगर आपने स्ट्रॉबेरी को ग्रो किया हुआ हुआ देखा तो उसके देखेंगे उसके स्टेम जो होता है वो स्पेशल काइंड का होता है, जिसको हम रनर्स कहते हैं। अगर हम स्टेम की काइंड की बात करें तो उसकी एक स्टेम की जो काइंड है उसका नाम रनर्स है। तो अगर रनर्स की बात करें तो वो पूरे सॉइल में ऐसे स्प्रेड हो जाती है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। न्यू स्ट्रॉबेरी प्लांट ग्रो एट द टिप ऑफ दी स्टेम। और जो इस स्टेम की टिप होती है वहाँ से न्यू स्ट्रॉबेरी प्लांट जो है उसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। तो ये क्या है, ये नेचुरल क्लोन की, नेचुरल क्लोनिंग की एग्जाम्पल है। सम स्टेम ऑफ द पोटैटो प्लांट ग्रो अंडरग्राउंड एंड बिकम सोलो विद स्टोर फूड। जो सब पोटैटो की अगर हम बात करें तो आप देखते हैं कि पोटैटो को अगर आपने ग्रो किया तो इस तरह उसके ऊपर जो है वो स्टेम जो है वो ग्रो हुआ होता है, स्वेल होता है, क्योंकि उसके अंदर जो होता है फूड स्टोर होता है। द स्वेलिंग इज अ पोटैटो और अ ट्यूबर। जो उसकी स्वेलिंग होती है उसको हम यहाँ तो पोटैटो कहते हैं, उसको ट्यूबर कहते हैं। इफ़ अ ट्यूबर इज प्लांटेड न्यू प्लांट ग्रो फ्रॉम बट डाइस। तो जो उसके ऊपर जो बर्ड हैं, आप ये जो बर्ड देख रहे हैं, जो उसकी ट्यूब्स हैं, और उसको सोइल के अंदर हम दोबारा से ग्रो करवाएंगे तो उस ट्यूब से, उस बर्ड से जो है वो नया प्लांट जो है वो ग्रो हो जाएगा। बल्ब्स सच एज अनियन आर लार्ज अंडरग्राउंड बल्ब विद स्वॉलन लीव फुल ऑफ फूड। इसका जो होता है वो बर्ड्स की एग्जाम्पल हम लेने तो अनियन है कि लार्ज अंडरग्राउंड बर्ड है जिसके स्वेलो जो है मतलब जो है वो लीव्स होते हैं जिसमें फूड जो है वो स्टोर होता है। ईच ईयर न्यू बल्ब ग्रो इन साइड द ओल्ड वन। हर साल जो है वो न्यू बल्ब को हम ग्रो कर देते हैं और उससे न्यू जो है वो अनियन जो प्लांट है वो हम ऑब्टेन कर लेते हैं। ये भी नेचुरल क्लोनिंग की एग्जाम्पल्स हैं। ह्यूमन हैव ग्रोन प्लांट्स एक्चुअली फॉर 100 of the year by cutting piece of plant they like and growing them into a new plant. This procedure is known as a propagation and the new plant are called cutting. तो ह्यूमन जो है वो इस सेक्शुअल रिप्रोडक्शन को यूज़ करके, इस सेक्शुअल रिप्रोडक्शन को हम यूज़ करते हैं प्लांट्स को करने के लिए, ताकि हम शॉर्ट पीरियड में ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी प्लांट की अपटेन कर सकें जो हमें चाहिए, रिक्वायर होती है। तो इस प्रोसेस के थ्रू हम जो न्यू प्लांट अपटेन करते हैं इस प्रोसीजर को हम प्रोपोगेशन कहते हैं, और जो न्यू प्लांट हम अपटेन कर रहे होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कटिंग्स कहते हैं। दिस जेनेरियम कटिंग वाज कट फ्रॉम द स्टेम ऑफ अ लार्ज प्लांट। अगर आप ये जेरेनियम की कटिंग देख रहे हैं तो ये एक लार्ज स्टेम के साथ कट किया, वहाँ से उसको कट किया। अगर इसको हम अलग से ग्रो करेंगे तो ये उस जैसा प्लांट जो है दोबारा से ग्रो हो जाएगा। सम प्लांट कैन बी ग्रोन फ्रॉम लीव कटिंग। और कुछ प्लांट जो है तो उसका अगर हम लीव कट के उसको सॉइल के अंदर जो है वो अंडर द सॉइल ग्रो कराए तो वो उसकी ग्रोथ प्लांट वो न्यू प्लांट में चेंज हो जाता है। एप्पल ट्री कटिंग ग्रो बाई बींग ग्राफ्टिड ऑन टू द स्टेम ऑफ अ हेल्दी प्लांट। जो एप्पल अगर हम इन्हें ग्रो करवाना हो तो उसकी जो ट्री की कटिंग होती है वो ग्रो बींग ग्राफ्टिड, उसको ग्राफ्ट
कि मतलब उसके स्मॉल पीसीज में उसको ग्राफ के में डिफरेंट ग्राफ्टेड में कट किया जाता है और उसको ग्रो किया जाता है, जिससे हम न्यू जो एप्पल है वो ऑब्टेन कर सकते हैं। तो इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को यूज़ करके ह्यूमन बींग्स जो न्यू प्लांट प्रोड्यूस करते हैं उस प्रोसेस को हम प्रोपोगेशन कहते हैं, और जो न्यू प्लांट ग्रोथ है उसको हम कटिंग्स कहते हैं। माइक्रो प्रोपोगेशन एंड टिश्यू कल्चर। माइक्रो प्रोपोगेशन मीन ग्रोइंग न्यू प्लांट फ्रॉम अ वेरी स्मॉल पीस, वेरी स्मॉल, माइक्रोस्कोपिक मीन वेरी स्मॉल पीस। सम प्लांट कैन बी ग्रो फ्रॉम अ टाइनी पीस ऑफ अ प्लांट कंटेनिंग ओनली वन बड। माइक्रो प्रोपोगेशन हम कहते हैं अगर हम प्लांट जो है उसको बहुत ही स्मॉल पीस से ग्रो करवाएं तो उसको प्रोपोगेशन को, उस टाइप के प्रोपोगेशन को हम माइक्रो प्रोपोगेशन कहते हैं। सम प्लांट जो है आप देख रहे हैं, जैसे इस पिक्चर में देख रहे हैं एक प्लांट है, उसको स्मॉल छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल पीसीज में है वो उसको कट कर दिया गया। स्टेम इज चॉप्ड इंटू अ लॉट ऑफ टाइनी पीसीज ईच विद द बड ऑन इट। हमने ये जो आप देख रहे हैं कि स्टेम को स्मॉल पीसेस में कट कर लिया और हर एक पीस में एक जो बड है वो प्रेजेंट है। दीज पीसीज आर सर्टिलाइज टू प्रिवेंट कंटेमिनेशन एंड पुट इन टू अ कंटेनर। हम इसको सर्टिलाइज करेंगे, ठीक है, सर्टिलाइज करेंगे, इसको हम हीट प्रोवाइड करेंगे ताकि इसके ऊपर कोई कंटेमिनेशन, कोई जर्म्स वगैरह प्रेजेंट है तो वो इसमें से ख़त्म हो जाए। द कंटेनर हैज़ अ ग्रोथ मीडियम कंटेनिंग एवरी थिंग द प्लांट नीड फॉर नॉर्मल हेल्थी ग्रोथ। इट आल्सो कंटेन रूटिंग हार्मोन्स टू इंकरेज द ग्रोथ ऑफ न्यू रूट। इसको हमें कंटेनर में करेंगे जिसमें हर एक चीज़ जो प्लांट को रिक्वायर होती है, वाटर, लाइट, जो एयर, जो भी उसको रिक्वायर होती है वो सारी उसमें प्रेजेंट हों, ताकि उसको उसकी रूट को ग्रो करने के लिए भी हार्मोन प्रेजेंट हो ताकि उसकी न्यू रूट जो है वो ग्रो कर सके। ईच पीस ऑफ अ स्टेम ग्रोइंग टू अ न्यू प्लांट, जो हर एक पीस है स्टेम का वो न्यू प्लांट में चेंज हो जाएगा। द न्यू प्लांट आर कीप्ड इन अ ग्रीन हाउस अंटिल द दे आर बिग इनफ टू सर्वाइव। और ये उस वक्त तक ग्रीन हाउस के अंदर रहेगा जब तक ये इतना बड़ा ना हो जाए कि खुद सर्वाइव कर सके। Then we will talk about tissue culture. In tissue culture, new plants are grown from only a few cell instead of from a bud. अगर tissue culture की बात करें तो उसको हम सिर्फ few cells से हम new plant को grow करते हैं, बड को यूज़ करने के बजाय हम फ्यू प्लांट के सेल्स को यूज़ करके न्यू प्लांट ग्रो करते हैं। द तकनीक इज़ वेरी क्विक एंड डज नॉट टेक अप मच स्पेस। और ये जो तकनीक होती है इससे बहुत क्विकली, बहुत तेज़ी के साथ हम न्यू प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हैं और ये इतनी ज़्यादा स्पेस भी ऑक्यूपाई नहीं करती। प्लांट ग्रोअर्स कैन यूज़ इट ऑल ईयर राउंड अ ग्रीन हाउस टू प्रोड्यूस अ हेल्दी डिजीज फ्री प्लांट्स। जो प्लांट जो ग्रो करने वाले पर्सन हैं वो ग्रीन हाउस में ज़्यादातर जो हेल्दी और डिजीज़ फ्री प्लांट हैं जिनमें कोई डिजीज़ नहीं होती, उसमें ये टिश्यू कल्चर तकनीक को यूज़ करके डिफरेंट प्लांट जो उसको ग्रोथ करते हैं। जेनेटिकली इंजीनियरिंग प्लांट्स आर ग्रोथ यूजिंग दिस टेक्निक। जेनेटिकली इंजीनियरिंग तौर पे जो हम प्लांट ग्रो करवाते हैं वो इस तकनीक को, टिश्यू कल्चर की तकनीक को यूज़ करके हम करते हैं। द ओनली प्रॉब्लम इज़ देर इज़ नो जेनेटिक वेरिएशन इन क्लोनिंग। इसमें कोई जेनेटिक वेरिएशन नहीं होती, हम जिस टाइप का सेल ले रहे हैं, जिस टाइप का हमें प्लांट चाहिए वो उस सेल में सेम वही फीचर्स होती हैं, उसमें कोई न्यू वेरिएशन हमें देखने में नहीं मिलती। सो इफ़ वन प्लांट गेट्स अ डिजीज़ इट इज़ वेरी लाइकली दैट ऑल अदर क्लोन्स विल गेट इट एज वेल। दैट इज़ वाई इन नेचर प्लांट रिप्रोड्यूस सेक्शुअली एज वेल एसेक्शुअली। तो अगर इसमें अगर किसी एक प्लांट में एक डिजीज़ है तो हम अगर उसको टिश्यू कल्चर के जरिए तो हम जितने भी प्लांट ग्रो करवाएंगे उन सब में वो सेम डिजीज़ प्रेजेंट होगी। इसीलिए नेचुरली तौर पर प्लांट्स में हम सेक्शुअल रिप्रोडक्शन भी देखते हैं और एसेक्शुअल रिप्रोडक्शन भी देखते हैं। After reading, you can learn and write the answer of these questions. Explain how sexual reproduction is different from asexual reproduction. The product of asexual reproduction are genetically identical to each other and to their parents. जो asexual reproduction के plants होते हैं वो genetically same होते हैं एक जैसे और अपने plants की अपने parents की तरह होते हैं। Sexual reproduction involve combining genetic material from two different parents. So sexual reproduction में तो variation देखने में मिलती है क्योंकि two genetic material male और female reproductive cells आपस में combine हो रहे होते हैं तो उसमें हमें variation देखने में मिलती है। Differentiate between propagation and micropropagation. Propagation is the process of creating new plant from a variety of source such as a seed, cutting, bud and other plant parts. Propagation ऐसा process है जिसमें हम new plant को प्रोड्यूस करते हैं बहुत ज़्यादा सोर्सेज, या तो हम सीड से उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, या उसके बल्ब को कट करके कर रहे हैं या फिर उसके अदर प्लांट का जो पार्ट है उसको कट करके कर रहे हैं। माइक्रो प्रोपोगेशन मीन ग्रोइंग न्यू प्लांट फ्रॉम अ वेरी टीनी माइक्रोस्कोपिक पीस। हम जो माइक्रो प्रोपोगेशन है उसमें बहुत ही स्मॉल जो है टाइनी पार्ट जो है उसका प्लांट का वो यूज़ करते हैं और उससे नया प्लांट जो है उसको प्रोड्यूस करते हैं।